नमस्कार, मैं दिव्या धाराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के भाजपा नेत राजग सांसदों की एक बैठक में कहा है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से उनकी सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा की समग्र भावना बढ़ी है। मोदी ने भाजपा नेताओं से रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम महिलाओं तक अपनी बात तक पहुंचाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 3 तलाक को अपराध बनाने के फैसले ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने के बावजूद एक चौथाई भूभाग सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। IMD ने अगस्त में कमजोर मानसून की भविष्यवाणी की है। अगस्त में कमजोर मानसून के पूर्वानुमान को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में स्थिति और खराब होने वाली है। सूखे की चपेट में आने वाले क्षेत्र ज्यादातर पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से भी सूखे की चपेट में है। एक रिपोर्ट जिसमें यह बात सामने आई है कि देश में लिपस्टिक, आईलाइनर और नेल पॉलिश समेत अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी की जा रही है और बीते महज 6 महीने में इन चीज़ों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिजनेस स्टैंडर्ड्स पर छपे कांतार वर्ल्ड पैनल के अध्ययन में ये आंकड़ा सामने आया। इसमें कहा गया है कि टॉप 10 भारतीय शहरों में बीते 6 महीनों में लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आईलाइनर सहित करीब 10 करोड़ से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल की गई है। इन दिनों सरकार की ओर से डीजल कारों की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाने के कुछ बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक डीजल गाड़ियों को बैन करने जैसी कोई बात नहीं कही है और ना ही सरकार ने ऐसी गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग पर फिलहाल रोक लगाई है। हालांकि डीजल गाड़ियों को बंद करने के विचार के बारे में सरकार की ओर से समय समय पर कहा गया है, लेकिन इसको लेकर कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है। राज्यसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी और सदन से बही गर्मन के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद जैविक विविधता संशोधन विधेयक और मध्यस्थता विधेयक भी पारित हो गया। इसके साथ ही उच्च सदन में मंगलवार को 3 विधेयक पारित हुए और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पेश किया गया। इस संशोधन से अब पूरे देश में सहकारिता एक समान मानकों के तहत संचालित हो सकेंगे। अब सहकारिता में मनमानी और कुप्रबंधन पर लगाम लगेगा। नई सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं बना पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, यह अपराध नहीं माना जाएगा। युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं और ऐसे मामले में संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे मामले में यदि संरक्षण दिया गया तो यह कानून और समाज के खिलाफ होगा। कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नाबालिग का लिव इन में रहना अपराध है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। बालिग महिला का नाबालिग पुरुष द्वारा अपहरण का आरोप अपराध है या नहीं, यह विवेचन से ही तय होगा। शोध से पता चला है कि प्रदूषण के चलते आने वाले कुछ दशकों में दुनिया के 40% कीट खत्म हो जाएंगे। यह कीटों के एंटीना और रिसेप्टर्स पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। शोध के मुताबिक कीटों की घटती आबादी के लिए प्रदूषण के साथ शहरीकरण, कृषि क्षेत्र में बढ़ता कीटनाशकों का उपयोग और जलवायु परिवर्तन जैसी वजह जिम्मेदार है। प्रदूषण न केवल शहरों के आसपास बल्कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी आबादी को प्रभावित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अस्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के अनुसार इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अमेरिकी अध्यक्षता के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानवाधिकार सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा है कि खाद्य पदार्थों को कभी भी युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ती खाद्य समस्या पर प्रकाश डालने के लिए विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन अकाल और संघर्ष प्रेरित वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की सरल पेंशन योजना के तहत 12,000 रुपए के मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। LIC की सरल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए आपको केवल एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसके बाद आपको अगले 60 वर्षों तक 12,000 रुपए की मासिक आय प्राप्त होगी। इस पेंशन का फायदा आपको जीवन भर मिलेगा। 60 साल की उम्र में तो 10 लाख रुपए निवेश करने पर 58,950 रुपए का सालाना रिटर्न मिलेगा। व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा टेस्टर्स को ऐप में वॉइस और वीडियो कॉलिंग को लेकर परेशानी आ रही थी। नए अपडेट के मुताबिक अब इस इशू को फिक्स कर लिया गया है। WA बीटा इन्फो की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस इशू को फिक्स करने की जाने की बात कही गई, जिसके मुताबिक बीटा टेस्टर्स को इस परेशानी के समाधान के लिए नए अपडेट को इंस्टॉल करना होगा। आज 2 अगस्त को देश के ऐसे नायक की जयंती है जो देश और देशवासियों के लिए सेवा की एक अनूठी मिसाल बन गए थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे देश के पहले प्रोफेसर या प्रथम भारतीय प्राध्यापक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश में रसायन उद्योग की नींव डाली थी। वे एक वैज्ञानिक, उद्यमी और होने के साथ साथ इतिहासकार, शिक्षक, शिक्षाविद, परोपकारी आदि बहुत कुछ थे। उन्हें दुनिया भी रसायन शास्त्र की दुनिया में आदर्श स्वरूप देखती और उन्हें भारत के रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है।
एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर ने दावा किया कि उन्हें पिछले साल अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर हिंदी में बात करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। 78 वर्षीय अनिल वार्स ने काफी लंबे समय से अलबामा के साउथ डिस्ट्रिक्ट में पार्सन्स कॉर्पोरेशन में काम करते थे। अनिल वार्स ने जानकारी दी कि उन्होंने अलबामा के मिसाइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर पार्सन्स कॉर्पोरेशन सहित अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन के खिलाफ नागरिक अधिकार मुकदमा दायर किया। अनिल वार्स ने का दावा है कि उनके कॉल को लेकर बैन करने वाली कोई नीति शामिल नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को हीरो मोटो कॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर पर छापेमारी की। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली और गुरुग्राम स्थित परिसरों में तलाशी ली गई। ईडी ने यह कदम डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ओर से केस फाइल किए जाने के बाद लिया गया। पवन मुंजाल के घर पर छापेमारी की खबर फैलते ही कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर एक झटके में 4% से अधिक गिर गए हैं। दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरभंगा जंक्शन के विश्व स्तरीय बनाने की योजना की शुरुआत 6 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था। मोदी वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत योजना के तहत शुरुआत करेंगे। दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना की शुरुआत 6 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। मोदी वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत योजना के तहत शुरुआत करेंगे। एयरपोर्ट की तरह बनने वाले 6 मंजिला बनने वाले दरभंगा स्टेशन पर तमाम अत्याधुनिक यात्री सुविधा मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी बुधवार को महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है और उन्हें सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण। पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जा सकता, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया वर्गीज मामले में सुनाया है, जहां यूजीसी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। दरअसल प्रिया वर्गीज मामले में केरल हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था और पीएचडी के समय को अनुभव मानते हुए प्रिया वर्गीज को कन्नूर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बिहार में जाति जनगणना के कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी किया। इस फरमान के अनुसार कहा गया है कि शिक्षकों को केवल जाति जनगणना के कार्य में लगाया जाए और अन्य कोई प्रशासनिक कार्य ना लिए जाए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी विद्यालय पूरी तरह शिक्षक विहीन ना हो। देश के प्रमुख बैंकों ने अपने लोन की दरों में बढ़ोतरी कर अपने ग्राहकों को झटका दिया। पंजाब नेशनल बैंक, ICICI और बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन समेत सभी तरह के कर्ज को महंगा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों की ईएमआई बढ़ जाएगी। इन तीनों बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में इजाफा किया है। एक अध्ययन से पता चला है कि सोमवार को दिल के दौरे का खतरा अधिक होता है। बेलफास्ट हेल्थ एंड सोशल केयर ट्रस्ट और आयरलैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के डॉक्टरों ने 10,528 मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया और उन्होंने यह खुलासा किया कि सप्ताह के शुरुआत यानी सोमवार को सबसे ज्यादा घातक दिल का दौरा पड़ा। ब्रिटिश कार्डियो वेस्कुलर सोसाइटी में डॉक्टरों ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पता चला है कि हार्ट अटैक की दर में अधिकता सोमवार को देखी गई है जब एक प्रमुख कोरोनरी धमनी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग मनमानी तरीके से चला रहे कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है। बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की लगातार कम हो रही अटेंडेंस को लेकर कई जरूरी फैसले किए हैं, जिनमें राज्य के कोचिंग सेंटर की टाइमिंग भी शामिल है। के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लेकर आदेश दिया है कि उनके जिले में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच में किसी भी कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं किया जाए ताकि छात्र स्कूल जा सके। भारतीय सेना में 1 अगस्त से नया बदलाव हुआ है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों की यूनिफॉर्म एक जैसी रहेगी, भले ही उनका कैडर अलग अलग हो या फिर शुरुआती तैनाती अलग रही हो। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में चर्चा के बाद यह फैसला लागू किया गया है। गूगल ने अपने यूजर्स को चेतावनी दी है कि इस साल मई में कंपनी ने ऐलान किया था कि वह 31 दिसंबर से उन अकाउंट को डिलीट कर देना शुरू कर देगा जो काफ़ी समय में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ऐसे अकाउंट के हैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपने 2 साल पहले गूगल अकाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन अब उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कंपनी आपको पहले नोटिफाई करेगी, फिर उसके बाद उसे डिलीट कर देगी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ते जा रहे। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 75 वर्षों में 3 युद्ध लड़े लेकिन इससे देश में सिर्फ बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जोधा अकबर और देवदास जैसी तमाम बड़ी फिल्मों के लिए मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का निधन हो गया। कथित तौर पर 58 साल के नितिन देसाई ने करजत के एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या की। उनके निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये बातें कहीं कि सरकार
बिहार सरकार चौराहे पर खड़ी है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। चौराहे पर खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सत्ता के योग्य नहीं है। इनको किसी भी कीमत में सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार अब नहीं बचा है। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि अपराध को रोकने में जातीय गणना कहां बाधा बन रही थी। हरियाणा के नू में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच सोमवार को जमकर हिंसा भर की। गुरुग्राम में मंगलवार को एक मस्जिद में इमाम की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, एक भोजनालय में आग भी लगा दिया गया। भड़की हिंसा के दौरान कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद नू जिले के मेवात समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति है। इस घटना के बाद से गुरुग्राम समेत हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। बिहार में जातीय गणना के पहले फेज का काम पूरा हो गया था। इसके बाद दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से शुरू किया गया था। इसी बीच 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद बिहार सरकार एक्शन में आ गई है। सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया गया, जाति आधारित गणना को लेकर निर्देश दिया गया है। कि सरकार पत्र में कहा गया है कि जातीय गणना शुरू करे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश भर में तेजी से बढ़ती महंगाई से आम जनता को जल्द ही राहत मिल सकती है। खबर है कि अब दूध की कीमतें भी जल्द ही गिर सकती हैं, यानी आपको सस्ता दूध मिल सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि मॉनसून के बाद में दूध की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। बिहार के दरभंगा में एक दलित शख्स के शव के साथ अभद्रता मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मामले को लेकर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को चिट्ठी लिखी है और मामले पर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात हुई। इस दौरान कई सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है असरफी मंडल, नुन्नू गोलू कुमार, परमात्मा सिंह, उमेश कुमार, बाबूलाल मरानी, नौसाद अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, अंशुप्रिया, अर्जुन राम, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देश में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिल रही है, इसे रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।